बस सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। तो आज मैं आ गया हूँ जी फिर से, आप देख सकते हैं, और ये मैं आ गया हूँ एन टॉक पे, और मैं जा रहा हूँ स्टेशन पटियाला के। और आज का जो ये व्लॉग है वो पटियाला स्टेशन के पास जो अंडर पास बना है रेलवे का, पहले आपको याद होगा वहाँ फाटक था, वहाँ अंडर पास बन गया है, वो अनऑफिशियल जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो मैंने कहा चलो क्यों ना आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँ कितना स्टार्ट हुआ है, कैसे आप वहाँ जा सकते हैं और कैसे आप अंडर पास को यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो जो है मेरी यही रहेगी। और आज पटियाला में बारिश हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं पानी भरा पड़ा है, तो मौसम हो गया सुहावना और ठंडा ठंडा हो गया है। तो बढ़ रहे हैं आगे, और फिर से मेरे इस व्लॉग में आपका स्वागत है, और मैं ठीक हूँ, होप करता हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। तो बढ़ते हैं और सीधा मैं अब आपको मिलता हूँ अंडर पास के पास, स्टेशन के पास। ये जो है गुरुद्वारा साहेब दुख निवारण जी की तरफ से है ये साइड, आप देख सकते हैं जो अनऑफिशियल जो है ये अंडरपास जो है वो जो है अब रनिंग में है, खुल चुका है। हालांकि ऑफिशियल अभी इसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई, अभी साइडों पे जो है इसके पिलर्स भी नहीं लगे, ऊपर शेड भी नहीं लगा, वो अभी बाकी है। और आप देखें कि काफ़ी जो है ट्रैफिक जो है मूव कर रहे हैं यहाँ से, खासतौर से टू व्हीलर्स और जो रिक्शाज हैं और कार्स हैं, और यहाँ से जो है बसेस और जो ट्रक्स होंगे, जो हैवी मोटर्स होंगी, वो वहाँ से बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाएंगी। तो आप ये देखिएगा ये अंडरपास बन गया है और ऊपर है रेलवे लाइन, और हमने ये पार कर दी है। ये कईयों को अननेसेसरी हॉर्न बजाने की आदत है, और ये हम लोग जो है निकल गए हैं अब रेलवे स्टेशन की तरफ। तो ये रेलवे स्टेशन की तरफ आ गए हैं, तो मैं अभी आपको ये भी दिखा दूंगा रेलवे स्टेशन के पास। तो यहाँ से ये देख सकते हैं आप अनऑफिशियल जो है स्टार्ट हो गया है। ये आ गए हैं जी हम लोग पटियाला स्टेशन, और जो ये पटियाला जो स्टेशन है वो अब रेनोवेट हो रहा है, और ये जो स्टेशन जो है ये एक नए तरीके से अब बनने जा रहा है। आप देख सकते हैं सामने कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो अभी मैं आपको सारी बात करता हूँ। तो ये जो मैं स्टेशन में पहुँचूंगा, जैसा कि मैंने आपको अभी मोटो व्लॉग में भी बताया है कि ये जो स्टेशन है अब पूरा का पूरा जो है इसमें रेनोवेशन का काम भी चल रहा है, और जो स्टेशन है थोड़ा सा आगे जाके शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो स्टेशन जो है ये स्मार्ट स्टेशन के अंदर आएगा। भारत के एक स्मार्ट स्टेशन में ये भी एक स्मार्ट स्टेशन होगा जब ये पूरा तैयार हो जाएगा, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। और ये मेरे पीछे देख रहे हैं ये लगा हुआ पुराना इंजन, जो कि मैं हर बार दिखाता हूँ। आज मैं कहीं ट्रैवल नहीं कर रहा, आज मैं कहीं जर्नी नहीं कर रहा, आज की जो मेरी वीडियो थी वो सिर्फ यही थी, मैंने आपको दिखाना था जो अंडर पास है वो जो है स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अनऑफिशियल हुआ है, अभी ऑफिशियली इसकी जो है इनॉग्रेशन नहीं हुआ है। तो मैं अभी आपको दोबारा दिखा देता हूँ इस कैमरे के थ्रू, अभी आप बने रहे, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये है जी पटियाला का स्टेशन, और ये आप देख सकते हैं नीचे जो है ये है अंडर पास, जहाँ से अभी अभी मैं स्कूटी जो लेके निकला था। और आप सामने देख सकते हैं ये है रेलवे लाइन, पहले यहाँ पर फाटक होता था, अब ये जो है अंडर पास बन गया है जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। और फराटेदार गाड़ियाँ जो है यहाँ से जा रही हैं, और आप इधर से आप इस तरफ से जा सकते हैं गुरुद्वारा साहब की तरफ, अगर आप उधर से आते गुरुद्वारा साहब की तरफ से तो आप सीधा निकल जाएंगे इधर पुराना बस स्टैंड और नए बस स्टैंड की तरफ। और ये जो है सारा का सारा जो एरिया है वो है रेलवे का एरिया। तो स्टेशन के बाद देखिएगा यहाँ पर भी आप ये रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा है, अब यहाँ पर भी एक मॉडल जो है जैसे कि ये मॉडल रखा हुआ है, ये ठीक इस तरीके से यहाँ पर भी एक मॉडल रखा जाएगा। और जब मैंने बताया ये जो स्टेशन है ये आ रहा है स्मार्ट स्टेशनों में एक, जो कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे जो स्टेशन हैं भारत के अंदर वो अब स्मार्ट स्टेशन बनेंगे, जिसमें पटियाला का नंबर भी है। तो होप करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी जो है
वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल के ऑप्शन पर जाके टिंग कर लें, तो ऐसी वीडियो मैं लेकर आता रहूँगा। और जाते जाते मैं इसी नोट के साथ फिर आज खत्म करूँगा कि जब भी आप टू व्हीलर चलाएं तो हेलमेट जरूर पहनें, और फोर व्हीलर चलाते हुए आप सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तो इसी उम्मीद के साथ हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।